हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सरकार के 7 वर्ष पूरा होने पर मोदी का आभार व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 7 साल पूरा होने पर उनको बहुत बहुत बधाई। उनके मार्गदर्शन में हमारी सरकार जय सफलता की ओर बढ़ रही है। मुझे इस बात को बताते हुए प्रसन्नता है कि आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का हमारी दूसरी टर्म का 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ। अगर हम 2014 के बाद देखें 2021 तक ये 7 साल का कार्यकाल उनके नेतृत्व में पूरा हुआ है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उनके सफल कार्यकाल जो 7 साल का पूरा हुआ बतौर प्रधानमंत्री उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आगे के लिए मैं शुभकामनाएं भी हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से देता हूँ। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस बात के लिए भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि पिछले कल बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा उनने की जो बहुत बड़ा एक संकट का दौर पूरे देश भर में चल रहा है। कोविड के कारण बहुत सारे लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, कोविड के कारण बहुत सारे लोग संक्रमित हैं जिनका अभी तक ट्रीटमेंट चल रहा है। ऐसे में विशेष तौर से उन बच्चों के लिए जिन बच्चों की के पेरेंट्स माँ बाप जो है वो दोनों मर गए, वो अनाथ हो गए और अनाथ होने के पश्चात बहुत कठिन जीवन के दौर में से वो गुजर रहे, ऐसी परिस्थिति में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले कल पीएम केयर फंड की ओर से उन बच्चों के लिए जो भी घोषणाएं की है उनका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, जिसमें विशेष तौर से जो 10 लाख का कॉर्पस फंड जो है वो बना करके उनके लिए उपलब्ध कराना और उससे उनकी मदद करना ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। और उसके साथ साथ में जहां उनको हायर एजुकेशन ग्रहण करनी है उस दृष्टि से जो पीएम केयर की ओर से जो है ब्याज की राशि दी जाएगी ये भी उन्होंने साथ में घोषणा की, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा उन्होंने पिछले कल की है। 18 साल तक के प्रत्येक अनाथ बच्चे को आयुष्मान भारत योजना में सम्मिलित किया जाएगा ये भी बात कही और उनके बीमा के जो प्रीमियम की जो राशि है उसको भी पीएम केयर्स की ओर से जो है वो उपलब्ध कराया जाएगा। मैं आपके बीच में ये भी कहना चाहता हूँ आज हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय ये भी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जहाँ 7 साल का कार्यकाल बतौर प्रधानमंत्री पूर्ण हुआ है तो इस अवसर पर हम हिमाचल प्रदेश की ओर से भी एक योजना की शुरुआत जिसका मैंने जिक्र थोड़ा बहुत पहले किया था लेकिन योजना हम बना करके हम तैयार करने वाले हैं उसकी डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी। जो ऐसे बच्चे जो अनाथ हुए हैं प्रदेश सरकार की ओर से भी उनको मदद करने की दृष्टि से 2,000 रुपये जो सेंटर उसमें शेयर करेगा और उसके बाद 1,500 रुपये हम स्टेट की ओर से डालेंगे, कुल मिलाकर के 3,500 रुपये उनको प्रति माह जो है वो मदद के रूप में जो है उनको उपलब्ध कराएंगे ये भी एक हमने निर्णय लिया है। शिमला से अनिल कुमार शर्मा की रिपोर्ट।